अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सारे डे का प्लान बताऊंगी जो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। दो बच्चे हैं मेरे, कि उनको किस तरह से चीज़ें दे के, कलरफुल चीज़ें बना के और एक हेल्दी मील आप सारा दिन में कैसे दे सकते हैं, जिनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेरी, और इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग्स हैं। मैं इसमें नट्स नहीं रखे हुए मैंने, वो भी मैं उनको देती हूँ। तो अच्छा सा प्लान मैं आज आपको बताऊंगी कि आज आप सारे दिन में अपने बच्चों को किस तरह पोर्शन वाइज सब कुछ खिला सकते हैं। फुल डे मील प्लान है, इसमें मैं आपको जो अपने ब्रेकफास्ट से पहले मैं अपने बच्चों को क्या देती हूँ वो बताऊंगी, स्नैक में, लंच में और डिनर में क्या देती हूँ वो बताऊंगी। कि जैसे ही मेरे बच्चे उठते हैं, आजकल सर्दी है, मैं इनको बाहर ले जाती हूँ, धूप में बिठाती हूँ, थोड़ा फ्रेश करती हूँ, कि ये टाइम होगा आई गेस 9-10 बजे का, तो फिर मैं इनको कोई ना कोई फ्रूट देती हूँ पहले एम्प्टी स्टमक में, जैसे एप्पल्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, अनार हो गए, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर मेरे पास होता है, बनानास भी, कुछ भी अगर मेरे पास घर में पड़ा हुआ है क्यों, तो मैं वो इनको देती हूँ। आज मैंने इनको ग्रेप्स खाए, उठते साथ ही मैं इनको बाहर ले जाती हूँ ताकि इनको थोड़ी सी धूप लगे और ये अपना मील फुल एंजॉय करते हैं। फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक देने का मेरा पर्पस ही होता है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो ज़रा फास्ट हो जाए और इनको भूख भी लगे। ठीक है, अगर मैं सुबह उठते ही इनको दे दूँगी नाश्ता तो ये नहीं करेंगे। अब ये फ्रूट्स खा लिए इन्होंने, 15-20 मिनट के बाद मैंने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के दिया है इनको। मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, जो मैं इनका पराठा बनाती हूँ वो भी देसी घी में बनाती हूँ, अगर मैंने अंडा बनाना है वो भी मैं देसी घी में बनाती हूँ। अंडा पराठा मैंने इनको बना के दिया, दोनों बच्चे माशाल्लाह ये खा लेते हैं मेरे। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद जाहिर सी बात है बच्चे हैं, ज़्यादा खेलते हैं, इनको भूख लग जाती है। ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद इनको स्नैक को ही देती हूँ। स्नैक में मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि मैं फ्रूट्स दूँ, ना कि कोई बिस्किट्स और ये चिप्स, इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ बाहर की। बिल्कुल मैंने अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों पे नहीं लगाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बाहर से ये स्नैकिंग में कुछ नहीं आता, सब होममेड होता है। ये बेबी ब्रेकफास्ट करके सो गया था, इसको अब उठाया मैंने, ये भी थोड़े से फ्रूट्स में मैंने मौसमियाँ ऐड की हैं आज। और कोई भी फ्रूट आपके पास है, एक भी फ्रूट है तो इट्स ओके, एक दो फ्रूट्स के ऑप्शंस दिया करें इनको। आज मैंने मौसमियाँ और एप्पल दिए हैं, बनानास भी मैं दे देती हूँ, हर चीज़ जो फ्रूट में अवेलेबल है वो मैं दे देती हूँ, तो माशाल्लाह ये खा लेंगे। छोटी बेबी को खिला रहे, ये अलमीर एप्पल्स बहुत शौक से खाता है। आप भी कोशिश करें कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत दें, उसकी वजह से बेबीज़ के स्टमक ख़राब होते हैं, मोशंस लगते हैं, उसके बाद मतलब वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं होता बच्चों के लिए। आप मेरा पूरे दिन का प्लान देखेंगे कि इसमें सब कुछ है जो एक बच्चे की पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें डेरी आ जाता है, कार्ब्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाती हैं। अभी काफ़ी चीज़ें थी बच्चों की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो मैं इनको सैलड बना के भी दिन में दे देती हूँ, क्यूकम्बर वगैरह काट के, उसके बाद मैंने इनको नट्स वगैरह दे देती हूँ भिगो के, पिस्ताशियो, आलमंड यानी बादाम वो दे देती हूँ, डेट्स दे देती हूँ। अब जाहिर सी बात है वो जब जब मुझे याद आता है मैं वीडियो कैप्चर करती थी ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल सकें। जो न्यू मम्मीज़ हैं वो बहुत परेशान होती हैं कि हम बच्चों को कब कब कैसे कैसे क्या क्या खिलाएं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं आपकी इससे होगी, लेकिन आई होप कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि हम कैसे एक हेल्दी मील पूरा दिन बच्चों को दे सकते हैं। अब ये लंच टाइम है, लंच टाइम में मैंने इनके लिए थोड़े से नूडल्स बना लिए हैं फुल ऑफ वेजिटेबल्स और चिकन ऐड करके, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने इनको अंडा पराठा दिया था, लंच में अब वेजिटेबल्स हैं और साथ मैगी है। जाहिर सी बात है बच्चे, आप अगर आप ये सोचें कि वो तीनों टाइम रोटी खा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को खिलाने के लिए, उनको खाने की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए।
ये ले बेबी। अच्छी खाओ। ये लंच के बाद मैंने इनको जो एक स्नैक दिया था 2 घंटे के बाद लंच करवाने के, बच्चे खेलते ज्यादा हैं तो उनको भूख ज्यादा लग जाती है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, आ करो ना। स्नैक टाइम में मैंने ऐड करवाया था इनको, नट्स दिए थे प्लेट्स में डाल के, जिसके अंदर बादाम, पिस्ते और खजूर थे। क्या बात है। और उसके बाद हमने अब 9-10 बजे का ये टाइम होगा, इनको फुल भूख लगी हुई है। अब मैंने इनके लिए वेजिटेबल राइस बनाया। एक्चुअली आज हमारे घर में चाइनीज खाना बना था, शाशलिक और वेजिटेबल राइस। तो वो शाशलिक जाहिर सी बात है कि नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वेजिटेबल राइस ये खा लेते हैं। कुछ मील्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बनते हैं, वो भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके लिए स्पेशल भी बनाना पड़ता है। अब ये जो राइस है इसमें भी फुल वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, चिकन्स हैं, और पूरे दिन में मैं इनको लाइक 2 बार फीडर यानी कि दूध के भी देती हूँ, वो मैं रिकॉर्ड भी कर सकी। 2 टाइम्स मैं इनको दूध बना के देती हूँ। दूध बहुत ज़्यादा नहीं आपने देना, एक तो वो पेट में गैस बहुत ज़्यादा कर देता है, सेकंड थिंग कि वो आपके बच्चे की भूख को ख़त्म करता है, ठीक है। आप सॉलिड्स की तरफ लेके आए बच्चों को, ज़्यादा फ्रूट्स की तरफ, वेजीज की तरफ, प्रोटीन मतलब मीट की तरफ लेकर आए, ना कि उसको फीडर भर भर के दूध के आप लोग देते जाए। नो दिन बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है। तो अब माशाल्लाह रात के 10-11 बज रहे हैं, मैंने इनको दूध का फीडर दिया है, सोते वक्त इनको आदत है दूध लेने की। थोड़ा सा मैं गर्म दूध देती हूँ, ठंडा दूध कभी भी मैं यूज़ नहीं करती। और दूध में मतलब ये दूध नहीं पीते, इनको दूध में कोई ना कोई फ्लेवर चाहिए होता है, लाइक अगर स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई हैं तो मैं वो शेक कर दूँगी दूध में, बनाना एक आधा शेक प्रॉपर नहीं बना के देती, लेकिन कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है दूध में। और फिर गुड नाइट। अब बिल्कुल पूरा दिन हमारा अच्छे से गुजर गया है, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं अगर जो न्यू वीडियो डालूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।